हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टुडे। दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें जो है शब्दों की कहानियाँ, जैसे कोई भी वर्ड होता है उस वर्ड की कुछ कहानियाँ होती हैं, उस शब्द के पीछे कहानियाँ क्या हैं, वो कैसे उस वर्ड की उत्पत्ति हुई, उसको हम लोग इस सीरीज में जानेंगे। इस सीरीज में आज हम लोग लेकर के आए हैं अल्फाबेट। ये जो अल्फाबेट होता है ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन अक्सर हम लोग देखते होंगे, बच्चों से सुनते होंगे, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो उससे लोग अक्सर ये नहीं पूछते कि तुमको वर्णमाला आती है कि नहीं, तुमको अल्फाबेट आती है कि नहीं। उससे क्या पूछा जाता है कि क ख घ आता है क्या, ABCD आती है, तो ये उससे क्वेश्चन किया जाता है। और इस क्वेश्चन से ABCD से क्या आंसर लगाया जाता है, उस अल्फाबेट का लगाया जाता है जो ए से लेकर के जड़ तक है। यही सेम चीज ग्रीक का वर्ड जो माला है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही एक तरीके का, जैसे हम लोग ABCD कहते हैं उसी तरीके से अल्फा बीटा गामा डेल्टा वहां की क्या है, वर्णमाला है। और वहां की जो ये वर्णमाला है अल्फा और बीटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बना अल्फाबेट। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग यूज करते हैं ABCD, तो ये क्या है, हम लोगों का ये छोटा छोटा है और ABCD, तो हम लोग चार वर्ड तक चले जाते हैं। ऐसे ही क ख ग, यहाँ तक हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि ये छोटा है। अब अल्फा और बीटा, ये दो से ही एक पर्याप्त शब्द बन गया, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसीलिए केवल दो, जो अल्फा और बीटा है, इसके कॉम्बिनेशन से आपका बना अल्फाबेट, और उसी का हम लोग यूज करते हैं अल्फाबेट के लिए। तो ये है अल्फाबेट की कहानी। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।